स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम उत्तर प्रदेश की लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं जल विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, कुछ प्रमुख डैम जो बांध हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमुख डैम और कुछ प्रमुख खनिज जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस पर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा फोकस पूरी तरह से एग्ज़ाम्स पर है। तो थोड़ा सा आपको इसमें, यहाँ पर मैंने इंटरप्रिटेशन किया है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया है, इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर, वो डैम है, वो बांध है, वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जो रेड से है वो ताप विद्युत केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रमुख हैं, और जो ग्रीन कलर से है वो हैं खनिज जो उत्तर प्रदेश में मेनली पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बांध परियोजनाओं की, सबसे पहले हम बात करेंगे जल विद्युत बांध परियोजनाओं की कि कौन कौन से डैम प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले, और जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा डैम है, किस नदी पर है। तो मेनली हमारा फोकस यही रहेगा कि कौन सा डैम किस नदी पर है, उनकी लोकेशंस वगैरह इतना मैटर नहीं करती कि लोकेशन वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं नहीं है। तो अभी क्या है, हम देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामगंगा डैम की। जो रामगंगा बांध है वो, रामगंगा बांध जो है वो रामगंगा नदी पर ही है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, यानी कि इसका ये सेम है। इसके अतिरिक्त इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है वो ये है कि ये हाईएस्ट डैम है, मतलब कि प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है वो कौन सा है, तो वो है रामगंगा बांध। एक हम बात करते हैं जो बेतवा नदी पर जो स्थापित डैम है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। वो है, एक है पारीछा डैम। पारीछा डैम जो है वो किस पर है, वो बेतवा नदी पर है। सुकमा डुकमा डैम, ये भी बेतवा नदी पर है। शीतला डैम, ये भी बेतवा नदी पर है। माता टीला डैम, जिसको हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई डैम, ये भी आपका बेतवा नदी पर है। और एक है आपका राजघाट डैम, तो ये भी बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर ये कुछ प्रमुख बांध हैं, बांध परियोजनाएं हैं, तो ये हमें याद रखनी है। बेतवा नदी पर बहुत सारी हैं, ये भी एग्ज़ाम में आया है कि पारीछा जो बांध है वो किस नदी पर बना है। तो पारीछा बांध जो है वो आपको बता देना है बेतवा नदी पर बना है। इसके अतिरिक्त एक ये क्वेश्चन बहुत आया है कि जो माता टीला डैम है, जिसको हम, इसका याद रखिएगा, दूसरा नाम, ये दूसरे नाम से भी आ सकता है, वो है रानी लक्ष्मीबाई डैम। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम या माता टीला डैम जो है वो किस पर है, वो भी बेतवा नदी पर है। राजघाट डैम जो है वो भी बेतवा नदी पर है। शीतला डैम, सुकमा डुकमा डैम, ये भी बेतवा नदी पर है। तो ये कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं जो कि बेतवा नदी पर हैं, क्योंकि बांध बांध जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जल विद्युत परियोजनाएं भी होंगी, क्योंकि वाटर का आप कैसे यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आप वाटर का यूज़ करोगे, तो वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक और डैम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गोविंद सागर डैम। इन दोनों में, इसमें कन्फ्यूजन होता है, गोविंद सागर डैम है और एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है वो रिहंद नदी पर है, जबकि जो गोविंद सागर डैम है वो शहजाद नदी पर है। तो ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या गया है, कि गोविंद सागर डैम पूछा गया है या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम पूछा गया। तो गोविंद सागर डैम किस पर है, शहजाद नदी पर, और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है वो है रिहंद नदी पर। इसको हम रिहंद जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से, इसको ये आता इसी नाम से है, रिहंद परियोजना के नाम से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि जो प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी और जो सबसे बड़ी परियोजना है जल विद्युत परियोजना, वो यही है रिहंद परियोजना। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है ओबरा परियोजना, ओबरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो डैम हम देख लेते हैं, एक तो है रामगंगा जो कि सबसे ऊंचा डैम है,
उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम रामगंगा, बेतवा नदी पर जो डैम है वो है राजघाट, माता टीला जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई डैम बोलते हैं, शीतला डैम, सुकमा डुकमा डैम, पारीछा डैम, गोविंद सागर डैम जो है वो किस नदी पर है, वो शहजाद नदी पर है। इधर हम अगर बात करें एक और डैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अर्जुन बांध किस नदी पर है, वो अर्जुन नदी पर ही है, ये महोबा के आसपास मतलब नीचे वाली लाइन पर ही है, थोड़ा सा आप लोकेशन ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभा जो डैम है वो चंद्रप्रभा नदी पर है, नदियाँ हैं ये ब्लू कलर से जो अभी शो कर रहे हैं वो नदियाँ हैं, चंद्रप्रभा डैम है। गोविंद वल्लभ पंत सागर मैंने आपको पहले ही बताया, ये रिहंद परियोजना के नाम से जानी जाती है और ये रिहंद नदी पर है। तो ये कुछ प्रमुख बांध थे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि बांध परियोजनाएं या बांध जो हैं या जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन्हीं को डिस्कस किया है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा डैम है वो किस नदी पर है, तो उसमें ऑप्शंस ये देता है कि ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, यमुना, गोमती। तो सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं या सबसे ज़्यादा जो डैम बने हुए हैं वो है ऊपरी गंगा नहर पर। ऊपरी गंगा नहर में चूँकि जो गंगा का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाटर वहाँ पर, वाटर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो डैम्स बने हुए हैं वो ऊपरी गंगा नहर पर है। तो ये एक हमें थोड़ा दिमाग में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ अलग एक कुछ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पेयजल परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। तो एक पेयजल परियोजना है जो कि है गोकुल बैराज, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये कुछ पेयजल परियोजनाएं हैं और ये पूछा जाता है कि गोकुल बैराज परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है, तो वो किस पर है ये हमें याद रखना है, वो है यमुना नदी पर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स थे जो हमें दिमाग में रखने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है ताप विद्युत परियोजना या ताप विद्युत केंद्र, कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो तापीय ऊर्जा से किया जाता है। एक जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो कोल बेस्ड है, मतलब तापीय जो मतलब जो भी जनरेशन होता है वो कोल बेस्ड है सबसे ज़्यादा। न्यूक्लियर जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का अभी परसेंटेज बहुत कम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, लेकिन सरकार यह प्रयास कर रही है कि सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ाया जाए और 2022 तक उन्होंने एक टारगेट भी रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोलर एनर्जी के थ्रू। लेकिन अभी के लिए अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किस माध्यम के थ्रू या तापीय के थ्रू या जल के थ्रू या कैसे होता है, तो वो तापीय जो कोल बेस्ड है वो होता है। अब हम बात करते हैं ताप विद्युत केंद्र की। जो ताप विद्युत केंद्र हैं वो 5-6 हैं मेन, वो देख लेते हैं। एक जो है जो पारीछा डैम है, जो पारीछा जल विद्युत परियोजना है उसी पर एक पारीछा ताप विद्युत केंद्र है, रेड कलर से मैंने शो करा है पारीछा ताप विद्युत केंद्र। तो ये पूछा जा सकता है कि जो पारीछा ताप विद्युत केंद्र है वो क्या है, वो जल विद्युत ताप विद्युत परियोजना है या जल विद्युत परियोजना है। तो पारीछा ताप विद्युत परियोजना है और कहाँ पर है, ये झांसी में, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा जो पारीछा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है, झांसी में। एक ये परियोजना हो गई। एक है चंदौसी ताप विद्युत परियोजना। चंदौसी ताप विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन मुरादाबाद में। तो ये याद रखिएगा इसकी लोकेशन की चंदौसी ताप विद्युत परियोजना है वो है मुरादाबाद में। एक है रोजा ताप विद्युत परियोजना, पहली थी पारीछा ताप विद्युत परियोजना, इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, झांसी में है। रोजा ताप विद्युत परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है शाहजहाँपुर में। इसके अतिरिक्त एक और है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अच्छा, एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे दे देगा जैसे पनकी ताप विद्युत परियोजना, तो ऑप्शन में दे देगा कि पनकी कहाँ पर है, जैसे सिंगरौली है, सिंगरौली कहाँ पर है, पनकी कहाँ पर है। तो उन जो भी ज़िले हैं, ज़िले के जो फेमस जगह हैं उनका नाम देकर आपसे मैच द वर्ड्स, मतलब मैचिंग करने के लिए आपको दे देगा। तो पनकी जो है, पनकी ताप विद्युत परियोजना
भेजना, वो कहाँ पर है, वो है आपका कानपुर में। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ताप विद्युत परियोजना करके भी नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में जगह दे देगा कि पनकी कहाँ पर है, तो आपको मैच करना होगा कि वो कानपुर में है। इसके अतिरिक्त एक है बारा संगम ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, ये है आपका संगम, जैसे कि पता ही इलाहाबाद में है, तो बारा हो सकता है संगम नाम से ना दे, बारा नाम से दे, तो बारा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, वो है इलाहाबाद में। एक है अनपरा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा जो है वो कहाँ पर है, सोनभद्र में, लोकेशन आपको याद रखनी है, अनपरा सोनभद्र में है। और जैसे ओबरा जल विद्युत परियोजना थी, वैसे ही जो कि दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है उत्तर प्रदेश की, रिहंद परियोजना के बाद, रिहंद जल विद्युत परियोजना के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी परियोजना थी वो कौन सी है, ओबरा जल विद्युत परियोजना। ऐसे ही ओबरा पर ही ओबरा ताप विद्युत परियोजना है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, लोकेशन याद रखिए, ओबरा ताप विद्युत परियोजना में लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो ओबरा कहाँ पर है, सोनभद्र में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र थे। एक और है, वो है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ होगी, ललितपुर में होगी। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन ओर से, एक ही राज्य से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से तीन साइड से घिरा हुआ है, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से। तो ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, ललितपुर में। तो ये इम्पॉर्टेंट ताप विद्युत परियोजनाएं थी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। पारीछा ताप विद्युत परियोजना झांसी, रोज़ा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर, चंदौसी ताप विद्युत परियोजना मुरादाबाद, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर, बारासंगम ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद, पनकी कानपुर, अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ताप विद्युत परियोजना थी। अब हम बात करते हैं खनिज की, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, किस कौन से खनिज की किस खनिज में यूपी नंबर वन है या सेकंड नंबर पर है, या इस खनिज में कौन से स्थान पर है। तो हम बात करते हैं खनिज की। देखिए, सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि जो उत्तर प्रदेश में जो खनिज हैं वो क्या है, वो नीचे वाली बेल्ट पर लाई करते हैं, जो नीचे वाली बेल्ट है, यानी कि एक तो उत्तर प्रदेश की ऊपरी बेल्ट है, एक मध्य बेल्ट है और एक नीचे वाली बेल्ट है। तो जो लोअर बेल्ट है उसमें क्या है, ज़्यादातर खनिज वहीं पर पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं खनिज कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, मैंने ना इंडिकेशन दे दिया है कि जैसे सोने की अगर हम बात करें, तो सोने अगर हम देखें, सोना कहाँ पर, जैसे सोनभद्र है, सोनभद्र में कौन कौन से मेन खनिज हैं जो पाए जाते हैं। तो सोना को, जो गोल्ड है उसको मैंने किसके से शो करा है, स्टार से। तो ये स्टार है, ये कोयला हो गया, कोयला है, ये डोलामाइट है, ये एंडालुसाइट है और ये पाइराइट है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसे सोनभद्र है या ललितपुर है या इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, तो यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अगर हम सोना इसकी सोनभद्र में बात करें, तो सोनभद्र में गोल्ड भी पाया जाता है, डोलामाइट भी पाया जाता है, एंडालुसाइट, पाइराइट और कोल भी पाया जाता है। अच्छा, सोनभद्र में कोल जो पाया जाता है, एक ये है आपका जो ओबरा जो ताप विद्युत परियोजना है, ये भी पूछा जाता है कि जो ओबरा ताप विद्युत परियोजना है जो कि किसके सहयोग से स्थापित की गई है, वो है रूस के सहयोग से। अच्छा, इसमें जो कोयले की सप्लाई की जाती है वो सोनभद्र में सिंगरौली नामक क्षेत्र है, वहीं से की जाती है, क्योंकि ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पर है, सोनभद्र में। तो जो सोनभद्र में ही जो सिंगरौली क्षेत्र है वहाँ से कोयले की सप्लाई की जाती है ओबरा ताप विद्युत गृह को, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये है, अगर हम अब हम एक एक करके बात करते हैं, ये है देखिए सोना, अगर हम देखें तो वो है तो सोनभद्र में, यानी गोल्ड अगर आपसे पूछा जाता है, एक है सोनभद्र, एक है ललितपुर, यानी कि और भी प्लेसेस हैं, बट जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हम एक दो ज़िले देखेंगे जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है सोनभद्र, एक है ललितपुर। अगर हम प्लैटिनम की बात करें, ललितपुर में प्लैटिनम भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, तांबा, यूरेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम मैच द फॉलोइंग आपको दे देगा, तो यूरेनियम मतलब ललितपुर, यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है।
जाता है। इसके अतिरिक्त आपसे ये पूछा जाता है कि जिप्सम है या एस्बेस्टस है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो वो झांसी में, ये आप याद रखिए। जिप्सम हमीरपुर में भी पाया जाता है, ये साथ में है, झांसी के पास ही हमीरपुर है, तो जिप्सम झांसी में पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि जो हीरा है, ये हीरा ट्राइंगल से मैंने शो किया है, तो हीरा कहाँ पाया जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा बांदा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। तो हीरा जो है बांदा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट और सैंड यहाँ पर मिलता है, जो बालू होता है वो यहाँ पर बांदा में और इलाहाबाद दोनों जगह मिलता है। यानी जो बालू हुआ वो ग्लास सैंड, जो कांच वाला बालू होता है, वो इलाहाबाद में और बांदा में मिलता है, हीरा के हीरा बांदा में मिलता है। इसके अतिरिक्त मिर्ज़ापुर में ये भी बहुत क्वेश्चन, मतलब ये पूछा जाता है कि जैसे डोलामाइट, हमने पहले ही बताया कि डोलामाइट जो है वो सोनभद्र में भी मिल रहा है, और डोलामाइट हो सकता है सोनभद्र ऑप्शन में ना हो, तो मिर्ज़ापुर भी आपको याद रखना है कि इसी के साथ लगा हुआ है, सोनभद्र के साथ मिर्ज़ापुर लगा हुआ है, तो इस बेल्ट का ऑब्वियसली बेल्ट जो होगा वो थोड़ा कॉमन होगा। तो मिर्ज़ापुर में डोलामाइट, फायर क्ले, ये सब मिलता है। जो बॉक्साइट है वो चंदौली में भी मिलता है। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, इसके अतिरिक्त अभी हम और देखेंगे, अभी हम रिवाइज़ कर लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। अभी जो एक दो पॉइंट्स और हैं वो ये है कि आपको जैसे पता है कि जो एकमात्र जो परमाणु नाभिकीय केंद्र है उत्तर प्रदेश का, वो नरोरा में है, तो और ये इसकी स्थापना पूछा जाता है, तो ये जो है एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है, नरोरा में है, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये याद रखिएगा। एक ये पूछता है कि कौन सी ऐसी परियोजना है जो निजी क्षेत्र की है टोटली पूरी तरह से, तो वो है अनपरा सी तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी है? अनपरा सी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा ओबरा है या अनपरा सी है, ए है, बी है, तो अनपरा सी जो है वो प्राइवेट है, टोटली निजी क्षेत्र की परियोजना है। एक जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि जो सबसे पुराना जो ताप विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश का, सबसे पुराना, वो है हरदुआगंज, जो कि अलीगढ़ में है, और 1942 में उसकी स्थापना हुई थी, तो और ये रूस के सहयोग से किया गया था। तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र सबसे पुराना है, 1942 में अलीगढ़ में, और सबसे पुराना है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र हमने पहले ही बता दिया था, रूस के सहयोग से। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, वो ये है कि जो NTPC, जो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसके जो प्लांट्स हैं, एक्चुअली उसके जो 7 जो हैं उत्पादनरत हैं और 3 जो हैं निर्माणाधीन इकाइयां हैं, तो NTPC के कौन से प्लांट्स ऐसे हैं या कौन सी इकाइयां ऐसी हैं जो कि पूर्णतः गैस आधारित हैं? केवल 3 इकाइयां ऐसी हैं जो पूर्णतः गैस आधारित हैं, उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो गैस के थ्रू किया जाता है, ना कि कोल के थ्रू। तो वो कौन से हैं, ये 3 आपको याद रखने हैं, वो है औरैया, आंवला और दादरी, AAD, औरैया, आंवला और दादरी। तो ये तीनों प्लांट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि औरैया, आंवला और दादरी, ये तीनों ही गैस आधारित हैं। इसके अतिरिक्त और जितने भी प्लांट हैं वो कोल बेस्ड हैं। तो ये कुछ, और इसके अतिरिक्त NTPC के जो हैं, जैसे ऊंचाहार है, टांडा है, थोड़ा देख लीजिए, ऊंचाहार, टांडा, शक्तिनगर, औरैया, ये सारी यूनिट्स हैं NTPC की, जहाँ जहाँ पर NTPC ने अपने प्लांट्स लगाए हैं। ऊंचाहार, टांडा, शक्तिनगर, औरैया, रिहंद, मेजा, बिल्हौर, टांडा विस्तार। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा NTPC का प्लांट नहीं है। तो अगर थोड़ा सा आपको दिमाग में है कि ये हैं NTPC के प्लांट्स, तो आप लगा सकते हो। जैसे अगर ऑप्शन में दे दिया ओबरा, दे दिया ऊंचाहार, औरैया, आंवला, औरैया, आंवला और ओबरा, तो ओबरा आपका NTPC का प्लांट नहीं है, आप टिक कर सकते हो। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो हमने देखा कि सोनभद्र में क्या क्या है, डोलामाइट है, एंडोलुसाइट है, पाइराइट है, और इसके अतिरिक्त कोयला तो वहाँ पर मिलता ही है, क्योंकि वहाँ पर विद्युत परियोजनाएँ ज़्यादा हैं, पहली भी है, दूसरी भी वहीं पर है।
और ललितपुर में भी हमने देखा यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है ललितपुर में। ललितपुर में आपका सोना भी है, प्लैटिनम है, बॉक्साइट है, तांबा है। इलाहाबाद की अगर हम बात करें, इलाहाबाद में जो कांच वाला बालू है वो है। बांदा में अगर हम बात करें, बांदा में हीरा है, बॉक्साइट है, बालू भी है। हमीरपुर में, ये देखिए ये बेल्ट, ये भी कॉमन आ रही है झांसी और हमीरपुर। झांसी के थोड़ा सा ही ऊपर हमीरपुर है, तो यहाँ पर भी क्या है, एस्बेस्टस, जिप्सम, ये यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अभी हम फिलहाल ये भी जानेंगे कि कौन से खनिज में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है या किस स्थान पर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है किस खनिज में, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि एंडोलुसाइट जो खनिज है उसके भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो आता है वो प्रथम स्थान पर आता है। और एंडोलुसाइट मिलता कहाँ है, ये हमने पहले ही बताया था आपको, वो सोनभद्र में एंडोलुसाइट है, पाइराइट है, ये सब ही सोनभद्र में मिलते हैं। तो भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो एंडोलुसाइट का प्रथम स्थान है, किसमें, एंडोलुसाइट में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगर हम कोयले में बात करें, कोयले के भंडारण में, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है आठवां स्थान। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार में आठवां स्थान रखता है देश में। बात करते हैं डायस्पोर के, जो डायस्पोर आपका खनिज है उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो डायस्पोर के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान। और डायस्पोर आपका कहाँ मिलता है, ललितपुर में। ललितपुर या ललितपुर से लगी जो बेल्ट है, जो आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे झांसी हुआ, महोबा हुआ, तो ये है फर्स्ट हो गया। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो सेंड बालू होती है, जो कांच बालू है, ग्लास सेंड है, उसमें कौन सा स्थान है, उसके उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। ऐसे ही चूना पत्थर के जो भंडार है उसमें भी यूपी का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। तो हमने देखा क्या कि खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक तो डायस्पोर के उत्पादन में वो प्रथम है, जो कि ललितपुर में पाया जाता है, प्रथम है एक एंडोलुसाइट के भंडार में जो कि सोनभद्र में पाया जाता है। तो दो में प्रथम है तो और में भी, लेकिन जो खनिज इम्पॉर्टेंट खनिज है उसमें एंडोलुसाइट जिसमें प्रथम है और डायस्पोर प्रथम है। कोयले के भंडार की दृष्टि से देखा जाए उसमें आठवां है, ये याद रखिएगा, कोयले में आठवां है। चूना पत्थर में उत्तर प्रदेश का स्थान मतलब पूरे देश में जो है वो दूसरा है, और कांच बालू के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो भी दूसरा है। तो ये खनिज के कुछ थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किस में प्रथम है, किस में दूसरा है, जो मेन वो है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि जो परिवहन तंत्र के बारे में, अपना जो उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र है, जो इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं वो देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर, ये हवाई अड्डों को मैंने इस साइन से डिनोट किया है ब्लैक कलर के। तो सहारनपुर में जो पाया जाता है हवाई अड्डा, उसका नाम है सरसावा हवाई अड्डा। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी फ्लो करती है तो वो हिंडन नदी के ही नेम पर है, हिंडन हवाई अड्डा। गौतम बुद्ध नगर में है जेवर एयरपोर्ट, यह अभी बना था रिसेंटली, तो गौतम बुद्ध नगर में है जेवर एयरपोर्ट। आगरा में जो हवाई अड्डा है वो है खेरिया हवाई अड्डा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं एग्जाम्स में कि आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा और इसमें ये पूछेगा कि कौन सा हवाई अड्डा किस प्लेस पर है। तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। कानपुर का आ रहा है इसमें, आप ऐसे याद रख सकते हैं, कानपुर मतलब चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, कानपुर में। और एक पनकी जो प्लेस था, जो पनकी ताप परियोजना थी, वो भी कहाँ थी, कानपुर में, अभी हमने देखा था। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है अमौसी हवाई अड्डा। इसका पहले नाम अमौसी था, अब इसका नाम जो हो गया है वो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हो गया है। ये कहाँ पर है, लखनऊ में। मैच द फॉलोइंग में आप ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह या अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में, दोनों नाम याद रखने हैं। फुर्सतगंज में एक ट्रेनिंग सेंटर है हवाई अड्डा, जो हवाई यात्रा में प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो फुर्सतगंज कहाँ पर है, रायबरेली में।
रायबरेली में। इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद में। एक है आपका वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, या इसको जो इसका नाम है वो है बाबतपुर हवाई अड्डा। तो बाबतपुर कहाँ है? वो है वाराणसी में। तो मेन हवाई अड्डे यही हैं जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, सहारनपुर साफ और सहारनपुर सा सरसावा, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सरसावा हवाई अड्डा। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी फ्लो करती है, हिंडन हवाई अड्डा। गौतम बुद्ध नगर में ये सभी को पता होगा अभी बना है जेवर एयरपोर्ट। आगरा में क्या है? खेरिया हवाई अड्डा। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा। इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा। रायबरेली में फुर्सतगंज ट्रेनिंग सेंटर है वो है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह या अमौसी हवाई अड्डा। और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर हवाई अड्डा। तो यही इम्पॉर्टेंट हवाई अड्डा हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारी जो एक स्वर्णिम जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल जो परियोजना थी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं, ये स्टार्ट हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके टाइम पर ये स्टार्ट हुई थी। और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसमें इन्होंने सरकार ने ये तय किया था कि जो पूर्व पश्चिम, जो भारत का जो पूर्व पश्चिम जो सेंटर है, जो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है और जो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, उनको क्या करा जाए, कनेक्ट किया जाए। तो ये जो परियोजना है ये पूछ लेता है कब स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी। तो इसका शुभारंभ हुआ था दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है उसका शुभारंभ हुआ था। इसको इसमें क्या करा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज के मतलब पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है। पूर्व पश्चिम में आपका असम के सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर तक, और जो उत्तर दक्षिण में आपका जम्मू के श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, इसको जो है कनेक्ट करने का इसमें उद्देश्य रखा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज इसमें चतुर्भुज बनाया गया था सड़क, इसमें 6 लेन की और 4 लेन की सड़कों का निर्माण किया गया था। इसमें अगर हम देखें एक और, हाँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पूर्व पश्चिम, ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो पूर्व पश्चिम और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा है वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मिलता है, दोनों कहाँ पर कट करते हैं या फिर मिलते हैं, सेंटर पॉइंट उनका क्या है, तो वो कौन सा है, झांसी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो पूर्व पश्चिम और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो कहाँ मिलता है, झांसी में। तो ये आपको पता लग गया राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बारे में। और ये कितने किलोमीटर लंबी परियोजना है, 7300 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो किस किस के बीच में है, तो यमुना एक्सप्रेसवे ये जो आगरा है और जो ग्रेटर नोएडा है, इन दोनों के बीच क्या है, यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच। कुछ और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी डेट पूछी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विकास खनिज निगम, ये पूछा जाता है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त एक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, यह राज्य विकास खनिज निगम जो कि 1974 में हुआ था, और जो सड़क परिवहन निगम है वो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन जो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको घोषित किया है वो है नेशनल हाईवे 1 NH1, जिसकी जो इलाहाबाद से हल्दिया तक गुजरता है। तो ये आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसको घोषित किया गया है, तो ये कि इलाहाबाद से हल्दिया या कोई भी और ऑप्शन दे देगा, या फिर आपसे संख्या पूछ सकता है नेशनल हाईवे की कि 1 है या 7 है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है जो उत्तर प्रदेश में शुरू होता है, वो है NH7। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं, इन्हीं में से ये परिवहन से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो दी गई जानकारी है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।
NH1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक वो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ये अभी मिस्टेक हो गया कि वो NH नेशनल हाईवे नहीं है, वो क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग है NH1। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।